नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कक्षा 8 के लिए पाठ 4। देखिए वसंत भाग 3 पाठ 4, पाठ का क्या नाम है? दीवानों की हस्ती। तो जो ये पाठ है ये एक कविता है और इनके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। इस पाठ को, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ कि इसमें जो है दीवानों की हस्ती पाठ में कवि ने दीवानों के बारे में बताया। और दीवाने कौन होते हैं? जो कहीं रुकते नहीं हैं, कभी निराश नहीं होते हैं, दूसरों को के मन में हमेशा खुशी भरते हैं, कभी भी दुख नहीं देते हैं किसी को। तो वहाँ पर दीवानों शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इन दीवानों के बारे में ही ये कविता लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। देखिए, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस कविता में कवि ने क्या कहा है कि हम दीवानों, दीवाने वो होते हैं जो सबके खुशी फैलाते हैं, सबके मन को खुशी से भर देते हैं, किसी को भी दुख नहीं देते हैं, ठीक है, और किसी एक जगह पर वो रुकते नहीं हैं। उनका काम क्या है? वो सिर्फ, उनका काम है चलना, और वो निरंतर चलते ही रहते हैं। थोड़ी देर के लिए, एक तरह से विश्राम के लिए वो रुक जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और दीवानों की क्या हस्ती, दीवानों की हस्ती मतलब उन्हें अपनी किसी भी बात पर कोई भी घमंड नहीं है, है आज यहाँ कल वहाँ चले, वो आज एक स्थान पर हैं तो कल दूसरे स्थान पर मिलते हैं, दूसरे लोगों के बीच में मिलते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, वो जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती का आलम, मस्ती का मतलब मस्ती जो दूसरों को खुशी देने की मस्ती, दूसरों का दुख बांटना, उनको हंसाने की मस्ती, ये सब मस्ती उनका आलम साथ चला, मतलब जहाँ वो जाते हैं वहीं हंसी खुशी का माहौल बन जाता है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, वो हर जगह से गम को अपने साथ लेकर चलते हैं और खुशी को दे देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर, वो जब आते हैं जहाँ पर, वो जिस स्थान पर लोगों के बीच में आते हैं, तो उनका आना लोगों के लिए खुशी का माहौल होता है, लोग बहुत खुश होते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन जब वो स्थान को छोड़कर जाने लगते हैं तो लोग उनके जाने के दुख में रोने लगते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब वो हमारे बीच में आ जाते हैं, कब हमें खुशी दे देते हैं, ठीक है, और फिर वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले, आगे जो है लोग ये कह रहे हैं कि उन दीवानों से ये मत पूछो कि वो कहाँ जा रहे हैं या वो कहाँ से आए हैं, उनका काम जो है सिर्फ चलना है, अर्थात उनका काम सिर्फ लोगों को खुशी देना है और वो अपना काम कर रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, वो इस संसार को अपना बहुत कुछ देते हैं और जग से, इस संसार से, इस दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं, अर्थात अपने अनुभव से वो दूसरे लोगों को कुछ सिखाते हैं और इस संसार से और दुनिया के और इन लोगों के अनुभव से वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसकर और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूटों को वो एक भाव से पिए चले। आगे वो दीवाने क्या करते हैं, मतलब वो सिर्फ अपनी ही बात नहीं करते हैं, वो दो बातें अपने मन की भी कहते हैं, दो बातें दूसरों के मन की भी सुनते हैं, ठीक है, कुछ बातों पे वो हंसते भी हैं, कुछ बातों से वो भावुक भी हो जाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं उनके, लेकिन वो सुख दुख के इस भाव को एक समान रूप से लेकर चलते हैं, उन पर ज़्यादा असर सुख का या दुख का उनके जीवन पर ज़्यादा असर नहीं होता है, ठीक है। आगे है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले। आगे कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, भिखमंगों की दुनिया क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग प्यार लेना तो जानते हैं लेकिन दूसरों को प्यार देने में
वो बहुत अपना दिल छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये दीवाने जो हैं इन भिखारियों की दुनिया में प्यार लुटा कर जा रहे हैं। हम एक निशानी सिर पर ले आए सफलता का भार चले, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उन दीवानों के मन में ये निराशा का भाव है कि वो सभी को खुश करने, सभी लोगों के मन में प्यार भरने में वो कहीं ना कहीं असफल हो गए हैं, और इसी असफलता को वो बोझ के रूप में अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। एक स्थान पर तो दीवाने रुकते नहीं हैं, तो जब वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपने और पराए का कोई अंतर नहीं रखते। उनके लिए तो हर जगह पर अपने और पराए एक समान होते हैं। तो और जिन बंधनों को वो लोगों के साथ, जिस बंधन को वो लोगों के साथ बना लेते हैं, उस बंधन को वो स्वयं ही तोड़कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस कविता में क्या बताया गया है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और दूसरों के साथ खुशी बांटनी चाहिए। चलिए अब आगे करते हैं इसके शब्द अर्थ। देखिए, सबसे पहले जग संसार, छक्कर जी भरकर, हस्ती अस्तित्व, आलम दुनिया या माहौल, जैसे खुशी का आलम मतलब खुशी का माहौल, मस्ती खुशियाँ, और हृदय स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, पराया दूसरों का, आबाद रहना हंसी खुशी जीवन बिताना, निशानी पहचान या चिन्ह। चलिए अब इसके करते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो जैसे कि मैंने कविता में भी समझाया था आपको कि कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैल जाती हैं, और अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं वहाँ से दूसरी जगह, तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं। मतलब इतनी खुशी बिताने के बाद जब वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो लोगों को अब उनकी याद सताती है, इसलिए लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसे क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निशान है या निराश है या प्रसन्न है। तो देखिए, कवि जो है वो प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। मतलब ये दुनिया जहाँ लोग प्यार के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक है, जहाँ सब चाहते हैं कि उन्हें प्यार मिले, तो वहाँ पर कवि प्रेम की दौलत को संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने आप को असफल कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि वह कभी भी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। मतलब उसका तो काम ही क्या है, एक जगह पर खुशियाँ फैलाकर आगे बढ़ जाना। तो कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी दुख है कि उसने जो इस दुनिया को प्यार दिया है वो इस प्यार को का एहसास भी नहीं ले पाता कि उसे दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वो इस संसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया, और यही असफलता उसके हृदय में निशान की तरह चुभती है। किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है, क्योंकि ये रास्ता उसने खुद चुना है अपने लिए कि वो एक जगह पर ना रुककर पूरे दुनिया में घूमते घूमते लोगों को खुशियाँ बांटता रहेगा, और वह इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराता है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना, चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना, ये सबसे कवि को सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें यही लगा है कि उसने अपने तरीके से अपना जीवन जिया है, लोगों को के हृदय में खुशी भरी है, प्यार भरा है, और उन्हें भी दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने के लिए कहा है। तो कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी उन्हें अच्छा लगा है कि किसी अन्य की गलती नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की गलती नहीं है कि दीवानों को जो है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना है, वो इन खुशियों का आनंद नहीं ले पाते। तो इस चीज़ के लिए वह किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराता है, उसे पता है कि ये रास्ता उसने खुद चुना है। तो ये बात भी कवि को इस कविता में अच्छी लगी है। तो यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।